लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है पांचवें चरण की, जहां पर देश भर की 51 और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। और इस बीच लगातार हम खास चर्चा कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान पवन तिवारी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। चूंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले वाराणसी का रुख करेंगे, हालांकि भले ही अगले चरण में है, लेकिन चर्चा करना जरूरी है इस बीच भी, क्योंकि मुद्दे वही हैं। एक हम बातचीत कर रहे थे तेज बहादुर को लेकर, सवाल ही उठा कि आखिरकार इस पूरी स्थिति में वाराणसी के अंदर जब तेज बहादुर ने पर्चा भरा और उस बीच जो तमाम तस्वीरें निकल कर आईं, गठबंधन ने फायदा उठाने के लिए तेज बहादुर को कुछ समय अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, जबकि अपना उम्मीदवार वो पहले घोषित कर चुके थे, और एकाएक पर्चा रद्द हो जाता है। इस पूरे मामले में क्या समझा जाए, किस तरह की चीज़ें हों, तमाम लोग चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं राजाराम वर्मा से लेना चाहता हूँ मामले को लेकर। सर, कैसे इस पूरे दौर को आप देखते हैं? मिश्रा जी, अभी जिस तरह से इनका पर्चा रद्द हुआ है, अभी उतना कोई प्रूफ ऐसा कोई वो तथ्य नहीं आया क्यों रद्द हुआ है। लेकिन जो जनरल बातें हो रही हैं उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था इनके चुनाव कैंडिडेचर को रिजेक्ट करने का, अमान्य घोषित करने का। मुद्दे तो आप भोपाल में देखिए, प्रज्ञा ठाकुर एक पनिश्ड, जो मतलब एक एक्यूज्ड, किस इतनी संगीन धाराओं में बेल पे आने के बाद भी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उनका पर्चा तो नहीं खारिज किया गया। देश तो, और ये एक मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उधर गया था तो इतनी विरोध में लोग इसको इतना एडवर्स मान रहे हैं कि भाई इस हर आदमी को राइट है चुनाव लड़ने का, बोलने का, प्रोटेस्ट करने का, चाहे सत्ता के पक्ष में हो या विपक्ष में, जैसे भी हर सभी को राइट है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और चुनाव लड़ने के अधिकार को अगर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अगर रोका जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। और इसका असर पब्लिक, देखिए अभी आपने दिखाया कि वो कैसे कैसे लोग जवाब दे रहे हैं कि हमने ये सोच के, पब्लिक अब वो नहीं रही, एक हवा, एक लहर बनती थी, एक लोग मतलब इमोशनल होके वोट देते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग सोचने लगे हैं, ये परिवर्तन की बहुत बड़ी झलक दिख रही है, ये लोकतंत्र की मजबूती की झलक दिख रही है, इंडिया के संविधान की मजबूती की झलक दिख रही है। अगर इस तरह सोच के लोग, सोच विचार के कि हम किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं, हम किस तरह की सरकार चाहते हैं, अगर इस तरह की सोच पब्लिक में एक आम नागरिक अगर सोचने लगा है, हाँ, तो ये एक परिवर्तन की झलक निश्चित रूप से दिख, हाँ, रही है, हाँ, और लोकतंत्र मजबूत होगा। राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया है कि तेज बहादुर अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तुरंत कैप्चर करने की कोशिश की, और कैप्चर करने में इतनी कोशिश की, अपना अनाउंसमेंट होने के बाद कैंडिडेट का कैंसिल करके उसको दे दिया। अजितेश, देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, हाँ, और मैं जितने भी एनालिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, राजनीतिक पार्टियां, हाँ, हैं, उनसे मैं भिन्न विचार रखता हूँ। हाँ, देखिए है क्या, हमें सोचना चाहिए। तेज बहादुर यादव ने क्या किया, दाल पतली मिली साहब वीडियो बना के वायरल कर दिया। हाँ ठीक है, दाल पतली मिलने के कारण आपको अगर इतनी शिकायत है तो महाराणा प्रताप के बारे में आप क्या बोलेंगे, जिंदगी भर उन्होंने घास खाई, उन्होंने न कभी अपने देश से शिकायत की, न कभी अपने देश के जनता से शिकायत की। जनाब साहब, अगर आप इस देश के सैनिक हो तो मैं समझता था कि दाल पतली होने के कारण आप फॉर्मल तरीके से जा सकते थे, लेकिन इतना बड़ा जो है कि पूरी दुनिया में आप इस तरीके के आरोप लगाइए, लाखों परिवार ऐसे हैं जिनको दाल नसीब नहीं होती है, आप तो फिर भी सौभाग्यशाली थे कि भारत माँ ने आपको पतली दाल खिलाई। आपको ये चीज, आपको चुनाव लड़ना था, आप चुनाव लड़िए, हजारों, अगर आप ही को दाल पतली नहीं मिल रही थी, आपके बैरक में जितने होंगे सबको मिल रही होगी, और आपने दाल पतली मिल रही है और इसके कारण इस तरह का आप वीडियो बना देंगे, ठीक है, ये गलत है, सिस्टम के थ्रू आप जाते। आप एक मिनट के लिए अगर आप भारत माँ के सपूत थे, सैनिक थे, तो आपको सोच लेना चाहिए था, शिवाजी महाराज जंगल जंगल भटके हैं, महाराणा प्रताप इस देश के राजा थे, अपने आप उन्होंने घास और रोटी खाना जो है मंजूर किया, लेकिन उन्होंने कभी न देश के इतिहास से, न अपने पूर्वजों से, न जनता से, न देश से उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, और आप शिकायत कर रहे हो,
मेरा व्यू ये है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे भी। पवन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, अलग अलग तरह से चर्चा करेंगे, इस सवाल को लेकर चलेंगे। लेकिन इस बीच जानना बार बार ये भी जरूरी कि आखिरकार अब तक अलग अलग जगह पर, जो उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है, वहां पर अब तक कितना वोट प्रतिशत जो है वो हो चुका है, ये भी जानना जरूरी है। अलग अलग तरह से तमाम अपडेट्स के साथ, तमाम खबरों के साथ आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। लेकिन इस बीच पिछले फेज की तरह इस बार भी कुछ नया तरीका, कुछ खास तरीका हम लेकर आए हैं आपको बताने के लिए वोटिंग प्रतिशत का, और ये जानने के लिए हम चलेंगे नलिनी के पास। नलिनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप बता सकती हैं कितना वोट प्रतिशत अब तक क्या रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अजितेश, आपको तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी दे सकती हूं, और इस तरफ आप मेरे देख सकते हैं। अगर धौरहरा की बात की जाए, धौरहरा में 19.5% अभी तक मतदान हुआ है। वहां पर अगर प्रत्याशियों की बात की जाए, प्रत्याशी भी वहां पर पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जीत का दावा भी कर रहे हैं, और अभी भी लंबी लंबी कतारें धौरहरा में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि 19% अभी तक मतदान हुआ है, और 19% मतदान को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में मतदान प्रतिशत बढ़ भी सकता है। लेकिन हम लगातार एफएम न्यूज की तरफ से यही अपील कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए। अगर सीतापुर की बात की जाए, तरफ आप देख सकते हैं सीतापुर में अभी 21.7% मतदान अभी तक हो चुका है, अभी भी लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं, लोग पहुंच रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी भी है, तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। अगर दूसरी मोहनलालगंज सीट की बात की जाए, मोहनलालगंज सीट में 22% अभी तक मतदान हुआ है, वहां पर भी अलग अलग जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि वोट प्रतिशत वहां पर कम हो रहा है, क्योंकि जगह जगह पर मतदान के बहिष्कार की भी बात लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात लखनऊ की करते हैं। लखनऊ बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है वहां पर, और लखनऊ की अगर बात की जाए तो 20.3% अभी तक मतदान वहां पर हुआ है, अभी तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं वोट प्रतिशत के। वहां पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला है, लोग कह रहे हैं पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं कि कैसे वो वोट डालें, चाहे गर्मी कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन फिर भी वहां पर लोग पहुंच रहे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। आगे बढ़ते हुए रायबरेली हाई प्रोफाइल सीट, एक बार फिर से सोनिया गांधी वहां से प्रत्याशी हैं, तो फिर 21.3% वहां पर मतदान हुआ है, वहां पर भी कड़ी धूप है, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत ऐसा आकलन किया जा रहा है कि लगातार बढ़ते ही चला जाएगा, चाहे वजह कोई भी हो, वहां पर अभी तक फिलहाल वोट का बहिष्कार करते हुए देखा नहीं जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात अमेठी की करेंगे, सिर्फ देख सकते हैं अमेठी में 23.1% अभी तक मतदान हुआ है वहां पर, और अमेठी में कड़ा मुकाबला है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच, अलग अलग दावेबाजी जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अमेठी की बात की जाए अगर अजितेश, वहां पर आरोप स्मृति ईरानी की तरफ से यह भी लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी बूथ कैप्चरिंग की भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बांदा की बात की जाती है, बांदा में 24.2% अभी तक मतदान हो गया है, वोट प्रतिशत बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगह पर बहिष्कार, वोट का बहिष्कार भी किया जा रहा है, लोगों की तरफ से बोला जा रहा है कि विकास के काम नहीं हुए हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हैं कि वोट किसको दिया जाए। फतेहपुर में 20% मतदान अब तक हो गया है, और ये देखा जा रहा है फतेहपुर में कि कहीं कहीं पर ऐसे ईवीएम खराब होने की भी समस्याएं देखने को मिल रही है, लेकिन हालांकि ईवीएम को ठीक कराने का काम भी लगातार जारी है। कौशाम्बी में 22% मतदान अभी तक हो चुका है, अगर कौशाम्बी की बात की जाए, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है कौशाम्बी। आगे बढ़ते हुए बाराबंकी की बात कर लेते हैं, बाराबंकी में 21.1% अभी तक मतदान हो गया है, यहाँ पर काफी अच्छा फीसदी देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये भी माना जा रहा है कि मतदान फीसदी बढ़ भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग काफी ज्यादा नाराज वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और ईवीएम की खराबी, ईवीएम में गड़बड़ी बाराबंकी में भी देखने को मिल रही है। फैजाबाद 23.5% मतदान अब तक यहाँ पर हो गया है, और आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि बढ़ भी सकता है, लेकिन कई महिलाएं भी वहां पर देखी जा रही हैं, महिलाएं कह रही हैं कि इस बार विकास का मुद्दा है, महिला सुरक्षा की बातें हैं इस बार भी, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा खाए हुए महिलाएं वहां पर दिख रही हैं। अगर बहराइच की बात की जाए, बहराइच में 22.2% मतदान अब तक हो गया है, वहीं आगे बढ़ते हुए कैसरगंज की बात की जाए, 20% मतदान है कैसरगंज में, गोंडा में भी 20% मतदान अब तक हो गया है। जी अजितेश, बिल्कुल शुक्रिया नलिनी बेहतर तरह से बताने के लिए आखिरकार किस तरह से अभी तक अलग अलग जगह पर वोट प्रतिशत हुआ है, लगभग 20-25% अभी तक, अब तक का जो वोट परसेंटेज लगभग अगर हम मानकर चले 10.5-11 और बहुत अच्छा कहा जाएगा, जिस हिसाब से अगर धीरे आगे बढ़ता है इसी तरह से अगर वोट प्रतिशत होता रहा तो कहीं ना कहीं
पांचवें चरण में वो उपलब्धि हासिल की जाएगी, जिसको लेकर कोशिश होती है लगातार कि एक बेहतर वोट प्रतिशत रहे। अच्छी चीजें उसको लेकर तमाम चीजें यहाँ पर हम देख पाएंगे। इसके साथ ही साथ अब आगे चर्चा एक बार फिर से हम शुरू करते हैं और इस वक्त हमारे साथ बहराइच से संवाददाता दिवाकर जुड़ गए। दिवाकर, बहराइच का अपडेट दें, क्या चल रहा है वहां पर अभी तक? बहराइच में सुबह से ही 6 बजे से लोग लाइन लगाने में खड़े हो गए हैं और काफी भारी उत्साह देखा गया है बहराइच लोकसभा में। ज्यादातर मशीनें खराब होने की जो है बात आई है, कई जगह मशीनें बदली भी गई हैं और कड़ाके की धूप में लोग लंबी कतारों में लगे हैं। जहां छोटे बूथ है तहां तो भीड़ कम हो गई है, बाकी काफी भीड़ रही है। और बहराइच क्षेत्र काफी बड़ा है, घाघरा के किनारे से लेकर के और नेपाल से सटा जंगल है जो है रुपेडिया में है, लेकिन मशीनें खराब होने की ज्यादा समस्या आई है और लोग काफी उत्साह भी रहे हैं और काफी जो 22% तो मतदान हुआ है। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है इसके बीच अभी तक अगर हम देखें वोट प्रतिशत तो लगातार हम जान ही रहे हैं। फिलहाल अगर आप कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं मतदान केंद्र से अभी किस तरह की भीड़ है, क्योंकि दोपहर के वक्त कहा जाता है कि लोग धीरे धीरे कम हो जाते हैं। लगभग 2 दर्जनों बूथों का हमने दौरा किया है जिसमें जो है कई जगह काफी लंबी भीड़ थी, लेकिन यहाँ दफालीपुरों में भीड़ कम है, छोटा बूथ है जो साइड सिटी बाहर सिटी में है और यहाँ जो है भीड़ कम हो गया है। आइए हम जानते हैं, वोट डाला आपने? नहीं डाला, क्या नाम है आपका? अभी नहीं डाला। कितने बजे खड़ी हैं यहाँ? जी जी, आप क्या नाम है आपका? अनीता। कैसा लग रहा है आपको? अरे कैसा, बहुत अच्छा लग रहा है जी। जैसा कि बताना चाहेंगे, ये दफालीपुरवा बूथ है बहराइच लोकसभा क्षेत्र का और यहाँ जो है वोट लगभग पड़ चुका है, यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं। बाकी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लंबी कतारें देखी गई है और यहाँ लोग जो है काफी कर्मचारी अपने काम में जुटे हुए हैं और भारत निर्वाचन आयोग का जो है निर्देश पालन देखा जा रहा है, जैसे कि काफी पालन हो रहा है। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय भी है और जहाँ जहाँ जो है ईवीएम मशीन खराब हो रही है वहाँ वहाँ जो है जल्दी जल्दी बदले जा रहे हैं, लेकिन लोग कहीं कहीं लोगों में जो आक्रोश भी देखा जा रहा है। जी अदित बिल्कुल, आपके पास आएंगे दिवाकरम, एक ही आपके पास आना चाहते हैं। तेज बहादुर वाले मामले पर एक बार वापस मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बात कही, अच्छी कही और जाहिर सी बात है एक जवान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो बातें आपने जिक्र की, क्योंकि कई बार जब हम भी इस तरह के शूट पर गए, कभी बॉर्डर शूट पर गए, एक है तो हमसे साफ तौर पर पहले ही लिखवाया कि कोई आप नेगेटिव चीज नहीं दिखाएंगे, उसका रीजन है क्योंकि पूरे देश का मामला है, विदेश में भी इस तरह की अगर खबरें जाएंगी हमारी सेना को लेकर तो अच्छी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो वाराणसी पहुंचे तो राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया? देखिए अजितेश, मैं आपको बताऊं, हमारी सेना में, हमारे देश में हम पिछड़े हैं, कुछ भी हैं, मॉडर्न कोई निगेटिव चीज नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कोई निगेटिव चीज है। आप सेना में हो, आपको खाइयों में भी जो है लेटना पड़ता है, पेड़ पे भी चढ़ना पड़ता है और इसीलिए पूरे देश की जनता आपको विशेष सम्मान देती है क्योंकि आप त्याग करते हो और आप एक पतली दाल मिलने के कारण बौखला गए। तो मैं समझता हूं कि तेज बहादुर यादव जी का मोराल इतना हाई नहीं था कि वो त्याग कर सके। सेना का मतलब त्याग है, अपने प्राणों का न्यौछावर वो कर देते हैं और आप तो मीठी दाल, मोटी दाल, गाढ़ी दाल खाने का लालच भी आप न्यौछावर नहीं कर पाए। तो जरूरत पड़ने पे आप अपने प्राण को कैसे न्यौछावर करते भारत माता के लिए, ये सोचने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि बात अगर हुई तो जो भी पक्ष में या वो है उनको तुरंत उस चीज पे लेना चाहिए। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं सेना में बड़ा उम्दा क्लास का खाना मिलता है। ये वही भारतीय सेना है जो एक मुट्ठी चने खा करके यहाँ का जवान एक हफ्ते तक लड़ता है और तेज बहादुर यादव जी कौन सी कसौटी पे अपने आप को बोलेंगे गर्व के साथ कि मैं इस देश का वीर सिपाही हूं। नेताओं की तो बात छोड़ ही दीजिए, आप नेताओं से भी उच्च है भारतीय सेना। एक जवान, एक प्राइम मिनिस्टर, एक एमपी से भी ज्यादा उसका सम्मान व्यक्तिगत मैं करता हूं और देश की जनता करती है। बिल्कुल। सवाल यह है राजनेताओं ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि सेना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों, उसी को एक विपक्ष ने अपना कैंडिडेट बना दिया। अच्छा, तीसरी चीज मैं और बोलता हूं, चलिए चुनाव लड़ना अच्छी बात है, लड़िए। आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो और छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हो, आप फार्म भर नहीं पाते हो ठीक से, तो आप क्या मंत्री और मिनिस्टर बनोगे? आप जब लड़ाई, अरे मिलिट्री की ट्रेनिंग से ही कुछ सीख लिया होता साहब, आप लड़ाई लड़ने जब जाओगे और आप बोलो कि मुझे बंदूक में गोली भरनी नहीं आती है, मुझे नाल साफ करने नहीं आती है, ये इलेक्शन भी तो एक लड़ाई है। आपको समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा टैलेंट ही नहीं था कि कम से कम फार्म तो सही से भर देते ताकि कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता इलेक्शन कमीशन को। देखिए मैं एक चीज बताऊं, कोई भी कमीशन हो अगर आपने फार्म ठीक से भरा है ना, देखिए उंगली तभी लोग उठाते हैं जब आप गलती का मौका देते हैं, तो आप फार्म ठीक से नहीं भर पाए हो तो क्यों मंत्री मिनिस्टर बन रहे हो आप?
ये इस केस की एनालिसिस है। बिल्कुल राजा राम वर्मा जी, आप कितना सहमत हैं इस बात से? और दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया? एक सैनिक चुनाव लड़ने आया, चलिए मान लिया, और आपने उसे तुरंत कैप्चर कर लिया, गठबंधन तुरंत उसको पकड़ लेता, आप हमसे चुनाव लड़िए, अपना कैंडिडेट घोषित करने के बाद नहीं, इसमें कोई ऐसी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की उनका, इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। हाँ। मेरे विचार से दोनों पक्ष देखने चाहिए, दोनों पक्ष जी, दोनों पक्ष देखने चाहिए। एक सैनिक की अगर इस तरह की उसका कृत्य अगर निंदनीय कहा जाएगा तो मुझे तो लगता है कि अक्षम्य है। हजारों सैनिक मर गए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और उनके परिवार, उनके घर वालों ने आज तक उफ नहीं किया, गर्व महसूस करते हैं, और इनको पतली दाल मिल गई, गाढ़ी दाल नहीं मिली तो उन्होंने शिकायत कर दी। जितने सेना के जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले गर्व महसूस करते हैं, न कि शिकायत करते हैं। ये केवल दाल का मामला नहीं है, ये वहां पे बहुत सारी शिकायतें होती होंगी, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई शिकायत हुई, जाने कितनी शिकायत। लेकिन दरअसल आर्मी का पहला उसूल तो अनुशासन ही है ना सर, लेकिन ये वहीं दबाया जा सकता था, ये वहीं खत्म। इसलिए महान है क्योंकि घास रोटी खाया, फक्र के साथ खाया, आर्मी का पहला रूल अनुशासन है ना सर, देश की जनता। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, लेकिन मिश्रा जी यही कहना चाहता हूँ, ये नैतिकता केवल ये जो नीचे स्तर के लोग हैं, छोटी पोस्ट के लोग हैं, उन्हीं के लिए लागू है। आर्मी का तो पहला रूल अनुशासन लागू है, आर्मी में तो सिखाया अनुशासन जाता है, वो उच्च श्रेणी में कितना क्या कर रहे हैं लोग, सिखाया अनुशासन जाता है सर, क्या क्या सिखाया अनुशासन जाता है। ये मुद्दा नहीं बना, ये मुद्दा बना वर्मा जी, ये मुद्दा बना दाल को लेके, क्यों? मैं सेना की बात करता हूँ, आपने बॉर्डर फिल्म सेना की बात है, कहीं की बात करिए आप। अरे मेरी बात सुनिए, ये नेताओं की बात छोड़ दीजिए, एक ऐसा आदमी है, उनके अंदर तो कोई नैतिकता नहीं है, मैं मानता हूँ नैतिकता केवल इन्हीं के लिए लागू है, नेताओं को सम्मान नहीं मिलता है ना। नैतिकता सेना में किस तरह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है सेना में बताइए। अब सेना पर ऐसे बोल रहे, क्या हो रहा है सर, सेना सर, सेना का तो पहले ही दो शब्द आना नहीं चाहिए, मुद्दा तो बताइए ना, ये मुद्दा वहीं पे खत्म, बताइए सेना की कमी है, ये क्या ये कमी, सेना की कमी है, क्या कमी है सेना की, ये मुद्दा बाहर कैसे आ गया है, ये मुद्दा इसलिए आ गया, सुनिए मैं बता, दो शब्द सिखाए जाते हैं, ये मुद्दा इसलिए आ गया जब तेज बहादुर यादव जैसे जो सेना के लिए मोरली और इथिकली फिट नहीं थे, जब ऐसे लोग गलती से सेना में चले जाएंगे तो मुद्दे बाहर आ जाते हैं, मैं ये बोलता हूँ। दूसरी चीज मैं ये बोलता हूँ, उनका पास्ट देखिए क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता। देखिए मैं सबसे बड़ी चीज जो मानता हूं सेना के लिए, मैंने एक ही उदाहरण दिया, और पूरे इंडिया में कोई राजनेता कोई अपने आप को एनालिस्ट बनने वाला हो तो उस उदाहरण पे आप खारिज कर दीजिए। महाराणा प्रताप राजा थे, उन्होंने घास खाई, घास रोटी खाई जिंदगी भर उन्होंने, और उनके परिवार ने, उनके प्रजा ने, उनकी प्रजा जो उनको फॉलो करती थी आज भी सड़कों के किनारे टेंट लगा के रहती है। उनका यह मानना है कि हमारे राजा अगर महल में नहीं रहे तो हम घर में नहीं रहेंगे, आपको पता नहीं होगा पीढ़ी दर पीढ़ी 500 साल पहले से आज भी वो सड़क पे रह रहे हैं, लेकिन न उन्होंने देश से शिकायत की न अपने परिवार से शिकायत की। भारत त्याग की भूमि है, आई वॉर्न आई रिपीट, समझे कि नहीं? दाल पतली थी तो आपको शिकायत प्रॉपर लहजे में करनी चाहिए, पहली चीज। कितना बड़ा आपने क्या कर दिया आपको पता है, केवल हीरो बनने के लिए, मीडिया में छाने के लिए, क्या बात कर रहे हैं सर आप? आपने 5000 साल रामचंद्र जी 14 साल वनवास में घूमते रहे, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना अपनी माता से ना अपने पिताजी से कभी किसी से। कितने उदाहरण दूं सर, हरिश्चंद्र ने बिना कफन लिए अपने लड़के के मृत शरीर को जलाने की अनुमति नहीं दी, कितने उदाहरण आप मुझसे चाहते हो? और केवल ये बोल देना कि लोकतंत्र है तो हर चीज करने की, साहब लोकतंत्र है लेकिन सबसे पहले उसके लोकतंत्र के पहले हमारा इथिक्स है, समझे कि नहीं? आत्मा की आवाज है, मैं यही कह रहा था राजा राम वर्मा जी, मैं यही कह रहा था पहले आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। आर्मी में तो जाने से पहले ही दो शब्द सिखा दिए जाते हैं, एकता और अनुशासन, और शायद उन्होंने क्या बोला में नहीं, देश का गौरव पहले सिखाया जाता है। दूसरी बात ये था सर, दूसरी बात ये थी, इस बात से सहमत, दूसरी बात सर ये थी कि चलिए हो गया जो होना था वो हो गया, आप वाराणसी पहुंचते, आप चुनाव फाइट करते थे, ये भी आपका अधिकार है, आप बिल्कुल करिए, लेकिन इसके बाद गठबंधन ने क्या किया? गठबंधन को अगर इतना तेज बहादुर से प्यार था और इतना ही चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें और वो जीतें, तो अखिलेश यादव किसी सेफ सीट से चुनाव लड़वा देते और जितवा देते, या फिर अपना कैंडिडेट बैठवा देते। आपने क्या किया? एक सैनिक चुनाव लड़ने के लिए आपने क्या किया? जवाब ही नहीं है साहब किसी के पास। देखिए जवाब सेफ सीट से लड़वा देते सर। नहीं नहीं,
मैनपुरी से लड़वा देते, भेज देते एमपी बना के, राज्यसभा से एमपी बना के मैनपुरी से लड़वा देते सर, मैनपुरी से राज्यसभा से एमपी बनवा देते, थोड़ा त्याग कर लेते एक सीट का आप लोग कोई भी पार्टी हो। अब इस तरह के जो सलाह है सलाह और ये सब कि हम लोग यहाँ बैठ के नहीं 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 सर, हमें दिख पर बात कर रहे हैं, आपके भी अपने विचार है, ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये एनालिसिस तो एनालिसिस ये कुछ भी हो सकता था अगर वो चुनाव मतलब गलत किया ना राज गठबंधन ने, बिल्कुल खेला एक सैनिक के साथ नहीं है। और इन्होंने जो किया देखिए, जो प्रचार रद्द हुआ उस पर भी हम यही कहेंगे कि जो पक्षपात के आरोप लग रहे हैं भले किसी पर लगे कि प्रचार कैसे रद्द हो गया, किसी का क्यों नहीं हुआ, वो भी गलत है, लेकिन सर एक सैनिक के साथ राजनीतिक पार्टियों ने यही व्यवहार किया। नहीं सैनिक के साथ ये किया तो फायदा उठाया ना उसका, ये फायदा नहीं हुआ, ये उसका फायदा उठाया नहीं, ये उठा नहीं पाए, ये कोई फायदे और उसकी बात नहीं है। बिल्कुल थी सर, अगर वो बिल्कुल थी दिल की बात बोलिए, देखिए आप उस खानदान से बिलोंग करते हैं वर्मा मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य उनके वंशज हैं, आप चंद्रगुप्त मौर्य को सोचिए, नहीं नहीं यहाँ पैदल चला, उसने कभी शिकायत नहीं की, न चाणक्य से की, न अपने देश से किया, ये एक निष्पक्ष बहस जिसमें इस तरह की बातें करना हाँ, वही में नहीं है निष्पक्ष ही हम लोग होकर रहकर बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, आप किसी के पास खत्म करिए, बिल्कुल आप दूसरे मुद्दे पे बात, इसीलिए इस पर बात कर रहा था कि कम से कम इस पर जवाब नहीं निकलेगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ जहाँ ले जा रहे हैं आप वहाँ नहीं निकलेगा, वहाँ इस देश में जवाब निकलेगा ही नहीं, अगर देखिए देश में निकले जहाँ ले जा रहा है तो जवाब निकालने का तरीका यही है। ये प्रज्ञा ठाकुर पे क्वेश्चन नहीं लग रहा है, क्यों टिकट उनके सैनिक में बहुत बड़ा फर्क है सम्मान का, एक सैनिक आ जाता है जिसकी तनख्वाह भले 20,000 रुपए, चुनाव लड़ने के लिए लोकतंत्र सर, चुनाव लड़ने के लिए राजाराम वर्मा जी कम से कम अब तेज बहादुर भले ही वो जैसे भी जो भी है उनमें और प्रज्ञा ठाकुर में कंपैरिजन मत करिए सर, प्रज्ञा जी की प्रज्ञा और एक सैनिक की कोई तुलना नहीं है, एक सैनिक मेरे नजरों में अतुलनीय है किसी एमपी और मिनिस्टर के कैंप्रिजन में भी, मैंने पहले ही बोल दिया राजनेताओं की तो बात ही मत करिए, इनके लिए हर चीज जायज हो, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, एक सैनिक का सम्मान सदियों से इस देश में, चाहे गीता रही हो, चाहे रामायण रही हो, चाहे अरे रावण जो पहले तो ये भी होता था कि दुश्मनों के सैनिकों का सम्मान करते थे, और हमारे सेना की परंपरा है, सारे मेजर लोग सारे सैनिक बोलते हैं कि दुश्मन का भी सैनिक अगर वीरता से मरता लड़ता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, बिल्कुल, और यहाँ अपने देश में सर क्या बात कर रहे हैं, राजनेता लोग कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। सर इस बीच आगे हम चर्चा शुरू करें, तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं।